अस्सलाम वालेकुम, मैं सईदा हमीद लापता अब्दुल हमीद जहरी की बेटी हूँ। मेरे बाबा जिन्हें 10 अप्रैल 2021 में कराची से सिंध पुलिस की मावनत से और सादा कपड़ों में मलबूस लोगों ने रात के 3 बजे आते ही घर में मेरे बाबा की शिनाख्त के बाद उनके मुंह पे स्याह कपड़ा डाल के उन्हें घसीटते हुए अपने साथ लेके चले गए। मैं मेर गुलमरिया गुहार टोक आया। मेर गुलमरिया 7 साल भी लापता है। मैं मेर गुलमरिया वास्ता बात को निश्तियाँ आया। यह महीना शश रोश भी था मैं मैदा निश्तियों। ये तूफान, ये हौर, ये गुहार, ये गर्म, ये जुकानी बीमारी, ये मौसम खराबी, मैं पमे वास्ता निश्तियों कि मैं मसला हल करें। अस्सलाम वालेकुम, गुल मोहम्मद दमास हलवरा खन का 2012 गुल मोहम्मद लोहा खशतो बुटई बंगा फिजर आजाना 5 दगा डियात का चापा दा सही 5 दा मर्दुम खशते ही जगहता बाकी कुलिश तंग थी गुल मोहम्मद बुटई। मेरा नाम अनिसा देवी है। मेरे वालिद मोहम्मद रमजान 12 साल से लापता है। हमने इसकी बाजियाबी के लिए बहुत कोशिश की लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। हम 35 दिनों से कॉर्नर हाउस के सामने धरना दिए बैठे हैं। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमें यकीन दहानी नहीं की जाती जाएगी, हमारा धरना जारी है। मेरा नाम सायरा बलोच है। मेरा ताल्लुक खुजदार बलोचिस्तान से है। मैं वो लड़की हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से गुजार रहे थे। एक कंप्लीट फैमिली, एक बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी। और मेरे घर में मेरा भाई आसिफ मेरा वाहिद सहारा था, मेरे बूढ़े वालिदैन का सहारा। उसके अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है। मनी नाम सम्मी बलोचिंद, मन भी गुआ है डॉक्टर दी मोहम्मद बलोच है मस्तरीन जने का। मानू ए वादा गवर्नर हाउस दे मा धरना एहतजाज शिकला निंदो का। मैं मुतालबा अमा के चिंचो साले मैं मुतालबा बूतगा मैं मर्दमानी बाजिया भी है अमा मुतालबा मर्ची मारा भी सॉफ्ट रो चिंत के माएदा जागा निंदो का। मैं मुतालबा निसरा अंगता अमल दरामद का रंग नबूता। हम ये सोचते हैं कि हमारे बाबा को क्यों उठा के चले गए, तो उस वक्त हमें कहा था कि हम उनको 5 मिनट में छोड़ देंगे। अब जो है उनका 5 मिनट इतना तवील हो चुका है कि अब हमारी मैं इस तरह हो चुकी हूँ कि मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हूँ। मुझ में अब और ताकत नहीं है। मैं सिर्फ़ अपने बाबा की बाजियाबी चाहती हूँ इस मुल्क से, इस रियासत से। और मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, सिर्फ़ अपने बाबा की बाजियाबी मांगी है। हमें कुछ नहीं पता था कि ये लापता क्या होता है। जब लोगों को लापता करते थे तो हम भी बाकी लोगों की तरह समझते थे कि शायद कुछ किया होगा कि उनको लापता किया। जब मेरे बाबा को लापता किया तो अब हमें सब कहते हैं कि कुछ किया होगा तभी तो लापता हैं। तो ये अल्फाज हमारे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह होते हैं। हमें पता है कि हमारे बाबा हर वक्त हमारे साथ होते थे। हर वक्त वो जो है सिर्फ हमें पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो हर वक्त हमें पढ़ाई में मोटिवेट करते रहते थे।
मारे ची कस मदद नखाना कहना है ची हत को बढ़ाई गया न दे गहना हर एक के कई पोल का शीशा अच्छी जरूरत है मर चे जरूरत है मारी अच्छी जरूरत है मैं माँ मसला हल कंता मर माशे जरूरत है मत अच्छी जरूरत है मत ऐसा कोई फंक्शन या तो निश्चित है नो मत ऐसा पिकनिक या निश्चित है नो मत ऐसा मजबूरी या निश्चित हूँ मैं मसला हल करने मत अगर दो लोग रो ना अच्छी मसला अंदियाल नखा नखा मैं सुलता दीजिए बराबर नखा नखा मामिंगा तन खुश हूँ कि मरदान भोजन बारे मैं हवाला कने मामिंगा खुश हूँ कि डालता पेश कंतेश मामिंगा खुश हूँ कि मार हाले बारे दैतेश मामिंगा खुश हूँ मौसा जिंदा हाला देता दारा हाला देता कि ता हंदाया ता हंदारी ऐशाया ता अस्ता नेस्ता मार्ची ये तदस्ता मैं पमे खतरा निश्चित हूँ मरती चे बस्ता है निश्चित हूँ मैं तेरा फंक्शन है निश्चित है ना मैं तेरा मजबूरी है निश्चित हूँ हम मेरा भाई चूँकि एक सरकारी मुलाजिम था तो उसको उसकी वजह से हमें एक सरकारी घर मिला था छोटा सा जिसमें हम एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। बहन भाई भाइयों के बच्चे बूढ़े वाले थे हम सब बहुत ही खुशहाल थे। उस वक्त मैं पढ़ाई कर रही थी, मैंने घर और स्कूल के सिवा कुछ नहीं देखा था और मैं नहीं जानती थी कि जुल्म किसे कहते हैं। आया बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है, मैंने खुजदार के अलावा और कुछ भी नहीं देखा था। लेकिन जब 31 अगस्त 2018 वो एक ऐसा दिन है हमारे लिए, एक तारीख दिन है जिसने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया। मणिपुर डॉक्टर दीन मोहम्मद बलूच 28 जून 2009 शौरना चा दौरान ड्यूटी आ क्या एक सरकारी ऑफिसर और सरकारी हॉस्पिटल तो का आशा मैं मरदुम मई कमा शारा कसरा शपे यक बजा मरदुम कायंत ओ सह गाड़ी तो का मुसल्ला अफराद बनते हैं और हमें मुसल्ला मरदुमाना असलहा गून बीते और ज़ोर ज़बरदस्ती का नाम मनी कमाश गुमा ओ आई आर शामा सरकारी हॉस्पिटल आ चबान ओ अच्छे दो रोज हमारा पदा हिच वड़े हाल ने से के मैं पे कुजाएं छून। मेरी छोटी सी एक बहन है 3 साल की महारोज, वो जो है जब मेरे बाबा को लापता किया वो 2 साल की थी। तो अब जो है ये बच्ची अपना नाम तक बोलना नहीं जानती थी तो ये नारे लगा रही थी कि मेरे बाबा को बाजियाब करो, मेरे बाबा को बाजियाब करो। मैं सबसे पहले जिस दिन मेरे बाबा को लापता किया तो मैं जो है सिंध पुलिस के पास शार फैसल पुलिस स्टेशन में हम लोग गए इनिशियल एप्लीकेशन देने के लिए। तो वहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोगों ने उन्हें कहा कि मेरे बाबा को जो है आपके कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एजेंसीज ने मेरे बाबा को उठा के चले गए। तो हमारे पास कोई मेल्स नहीं थे तो मेरे बाबा के एक फ्रेंड आए, वो हैं लॉयर हैं, वो आए हमारे साथ। तो जो वो पुलिस थे उन्होंने उनके गिरेबान में पकड़ के उन्हें धक्का देना शुरू हो गए, कह रहे हैं कि आप जो हैं इनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोले। हमने कहा कि हमने इनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोला, आप हमारे मुहाफिज हैं, आप FIR काटें। वो लोग हमारे लोगों मेरे बाबा को उठा के चले गए। एरोडा नहीं कंदी गए बलोचे मरदम मेरा दर पदर भी गों तबाह भी गों चुकतर पदर भी गां दे आफा जुड़ता लोग आफा जुड़ता गां चुक आफा बढ़ता गां छः हाल तल बीते गां तबाही करो बीता शमाम दफो टुआ में गांग गिनते मैं भी डुआ गिनते हैं कि लोग दर पदर बीते गां रित गां कपत गां माल आफा बढ़ता गां रगार आफा बढ़ता गां मैं कुलिश तो दफो मैं मेरा मजबूरी अपन इश्तियों मैं मसला हल कने मारिया महीना उसे श्रोश बीते मैं मेरा निश्तियों मजबूरी अपन इश्तियों मैं मसला हल नहीं गए या टोके नहीं गए और चाहिए कि चाहिए इस दिन प्यार अदालत पेश करते करके अनगत सारा चाहिए करते अच्छी दिन इस दिन मेरे को मर गए मर्द मामा टोका कना का हम यहाँ पजिया हिच मई पजिया गुहाल वाल ने था अस्ते था नेस्ते था दीरे था नजिए था इचे हालत है किसाने चुकती मैं यकोरे मासिया चुकंदा दर पदर थी बे नगन थी बे चाह थी गरीब दस मजूरिया उकसोवती लाफा कमान गां मामे पटिया आफा इंसरा कपतिया
ने मैं एक एक साने गंडो ऐसे वाला कपतियाँ शफा मोदर वहाँ रोसा ए रखा हमेदा और इसरा कपतियाँ लंगड़िया कपतियाँ शुद्ध तो नहीं अंदर मोदा कपतियाँ बेडाकदार बे इलाज गरीब मर्द में आ वश ने सुनो बेवसिया पतिया कपतियाँ दोषी माँ से वाला भी सब आ गई माए और गुड़ स्वागत दे मैं दिल नजक समात कहाँ मैं उसके बाद क्वेटा आई कराची इस्लामाबाद तक गई हूँ। मैंने अपने भाइयों के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। जब मैं क्वेटा आई पहली दफ़ा मेरे लिए माइक पकड़ना या माइक पर बात करना बहुत ही मुश्किल था कि मैंने ऐसे हालात कभी देखे ही नहीं थे। ये चार साल लोगों के लिए चार साल होंगे पर हमारे लिए चार सदियां हैं। इन चार सालों में एक ज़िंदगी हुई है, हम ज़िंदगी हमने गुजारी है, हम दर बदर हुए हैं, हमने बहुत ठोकरे खाए हैं, अजीब अजीब बातें सुनी हैं। इन चार सालों में हम दिन में 100 दफ़ा मरते हैं ये सोच करके वहाँ हमारे भाइयों का क्या हाल होगा। ये वक्त के मनी कमाश की बीगुआ कनक बूते मनी उम्र 11 साल तो मनु की पंचमी जमायता सर बूत तगता और मनी जिन सक्का शौरी वाला हम कसानत के मना चीज़ानी सरपदी नीस तगत के परचा बरग बूता मनी कमाश छः वजह बरग बूता कया बुरता कदी वापस कहते या नहते माँ अमारो चंक के मैं कमाश बरग बूते अवली रोचा मैं क्वेटा प्रेस क्लब दे माँ माए मुजाहरा बूते तो मैं ओली प्रेस कॉन्फ्रेंस बूते तो मनी बस सक्का एक नोकी चीज़ी हमें सहाफ़ी के मना जोश का नगाए था कि तई पित बेगुआ कनक बूता मन हमें बेगुआ ये जिंद लफ्ज़ मतलब आ रहा हम नजांत के चूँ बेगुआ बूता कया बेगुआ कुर्ता ओ मन के रामिन जो कॉन्फिडेंस ने इस तगत कि मन हमें द निश्तगो मन माई के तहा सहाफ़ी यानी सवाल आनी जवाब अब दें उसके बाद जो है जीआईटीज और कमीशन्स होते हैं वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो हमें कहते हैं कि अब सबसे पहले हम लोग एंटर होते हैं तो वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं सबसे पहले मुझे देख के कहते हैं बेटा बाबा के बारे में कुछ पता चला। मेरे जब पेपर्स चल रहे थे तो मैं एक कैंप में कराची में बैठी थी अपने बाबा की बाजियाबी के लिए। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको अदालत में पेश करें, उनका जुर्म साबित करें, जो जुर्म उन्होंने किया है तो फिर जो सज़ा देंगे हमें मंजूर है। हमने ये वक्त कैसे गुजारा है ये मुझे मालूम है। हम सबसे पहले तो बाद में मजबूर होकर हम लोग सड़कों पे निकल आए कराची में। अब जो है मैं शाल में आई हूँ, क्वेटा में अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा आई हूँ, वहाँ से सफ़र करके मैं यहाँ तक आई हूँ कराची से। तो मैं सिर्फ अपने बाबा के लिए आई हूँ। जो मेरे छोटे बहन भाई हैं वो मुझे रोज़ कॉल करके पूछते हैं कुछ पता चला बाबा के बारे में, कब वो आएंगे, इस दफ़ा आओगी तो बाबा को साथ में लेकर आना। मैं उनको क्या जवाब दूं? जो लोग अपोजिशन में हैं जो चाहते हैं हमारे लोग बाजियाब हो जाएं तो हमारे लोग बाजियाब हो सकते हैं, लेकिन ये लोग इस मसले पर बात करना नहीं चाहते। इसको सिर्फ उन लोगों ने एक तमाशा समझा हुआ है, सिर्फ अपनी सियासत हमारे लोगों के ऊपर चमकाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोग हमें दे दें, हमें कोई शौक नहीं है इस तरह हम रोडों पर बैठे रहे। पिछले 36 दिनों से हम लोग इन बारिशों में बैठे हैं, हमें बिल्कुल भी शौक नहीं है कि ख़ुद को इतना जलील ख्वार करें रोडों पे आएं। यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है, बहुत हम लोग अजियत में हैं, फिर भी हमारा मुतालबा यही है कि हमारे लोगों को बाजियाब किया जाए। हमें स्ट्रगल मैं टोटल ज़िंदगी में बदल को माँ हमा की एक आम जनक के वड़ा के मैं हम आदिगा संगत अस्तगा था 10 गुहार अस्तगा था वती के स्कूल रवा गाए था आ वती वड़ा ग्वाजी करने गाए था आ के अस्ते वती वड़ा वती लोग वती फैमिली गुमान इंदक पादाए गए था। भले मैं वस्ता एक चीज़ टोटल तब्दील बूता
माँ स्कूल रवगा शाबे माँ कोयटाया कराची या प्रेस कलबानी तो का निंदो कता माँ हानी माँ माँ आमदा मामा कदीर बुकर ताली कैंप माँ आमदा निंदो कता और माँ वती पिते बाजे अब ये गप जना गए था इस एक टफ टाइम है माँ मुदाम हम गप पा रहे जाता कि यक मर्दों में कि शायद दुनिया है रोते मर्दों में जिंदा तसल्ली रसी थे मर्दों यक लाते वक्त तक तकलीफें तो कभी थे पता चे तो रंदा आई आस्ते आस्ते आमा यक सेटिस्फेक्शन रसी थे तसल्ली रसी थे कि मर्दों वापस नए थे वो आहिस्ता आहिस्ता आई माँ दर्द आई तकलीफें आचो कम तिरबुआन कहते भले बेगवाही या कंचन जेड़ है कि आई तो का अमा यक के मर्दों गारंथ बेगवाहिंत आ तो अजियत सग गायंत आ जिंदा नानी तहा छूने सजाओ जजा बर्दाश्त कर गायंत आ यार तो मा सोचित ना कना भले आई गैर मौजूदगिया कि आई फैमिली यक जो अनसर्टेनिटी शिकार बीतंत शप रोच के पूरा तो यक कैसे अजियत तो का गुआ जगा बंद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राशिद हुसैन अलू मौत कनामा राशिद हुसैन का चार साल तो लापता है तो दुनिया की खबर है कि दुबई में आई एजेंसी हो दे गिरफ्तार करे पाकिस्तान हवाला करे ये हर किस्म का कोशिश है तेना मारा की करे दस आखिर नंबर सुनंदारे दस सही तेना बलोच को मान हंतस की बलोच को मरे चाहे न्याड़ी चाहे नरीना डॉक्टर टीचर हंतस पार्टी वाला ही खुला ना ना पी ले के बबो ना मदद जोर मबो नुम्बस तुरे ना अमो खदर ताकत ज्यादा मरे ना ईमान अमो खदर बुलंद मरे तो नंदा धर नहीं थी सुनो ना धर नहीं था ना ख़त्म कपन तांग के ना चुनाते मंजर आम आतरे कोठ से पेश के रोगना तसली ना निभाते सुनो इस्लामाबाद थी सुनो कराची थी सुनो ढाका मुस्ती सुनो दस हज़ार रोग वाला अंता था नंबर मफन बदलासी बलोच को हंतस करे ना मदद केर ना सपोर्ट केर ना कुमक जोड़ मरे नन कोफ्त खाने ना तो ना ईमान मुखदर बुजा मरे नन तेना दर नहीं मोनी के खेना तांग के ना बलोच को दा छुना ना मंजर आमा बता नहीं मोनी दा तेना लुची लिवड़ी थी दा छुना था ना गिरिंग करेंगे बंद करता नहीं इसका नंबर मफन बस कना अपील है मखलूम का नहीं अपील के वरुस्त कहो मानते ना चाहे पार्टी वाला को चाहे हराफ को डॉक्टर टीचर वहां तो ना मदद के ना मदद ना ज़रूरत है नंदा रोडा तू सुनो ना ना इलम था ना कहो मना अल्लाह हो ना उम्मीद उफ्ता उम्मीद बस नंदा हंतस कर खुले था अपील के वह गैरत बंदा कहो बलोच हंतस ना मदद के ना धरना थी शरीक मरे ना ताकत जोड़ मरे नंदा दर नहीं था कि कामयाब करता नू नंदा का बस मफना चिक थी ना मैं बच्चा ही ची गुनानेश था वसी पुच्चा भाग कन गए वसी लोगा व सम्मा गुजारा कन गए गरीब मर्द में न रोजगारी ऐसी न नौकरी ऐसी न डिप्टी ऐसी न दूमी कारोबर पढ़ाई अस्ता थी न मास्टरी अस्ता थी हिचा हिच नेस्त अल्लाह ना मसवा दूमी ये शहीद नेस्त थी आई अलावा माए पट्टियाँ निश्तियाँ कुल मुसलमान बलोचिस्तान न्याणी माँ ग्वार मास ग्वार ब्रास कुल हमें पट्टियाँ कपतियाँ अल्लाह खौफा का अदालतं बिहारेश अदालतं पेश कनेश आइया जुर्मे खुसा आइया सजा दे आइया जुर्मे खुसन न खुसा आइया बाजियाब कहाँ हमें खुदकुशियाँ बंद कहाँ सलाह बल्ला मुसलमाना खुशगार मखा बेगुनाइया बेकसूरिया आइया वसिया वतसलिया कहाँ अल्लाह खौफा कहाँ न्याणिया खातरा कहाँ न्याणियाँ गिन चुका गिन मासूम और लंगड़ियाँ खपतियाँ कोट दट सकाँ लोग बर्बाद पदी भी सकाँ एजा बर्बाद दर पदर भी सकाँ अल्लाह खौफा कहाँ मुसलमान है इस्लाम है कलमवा शरीदार है कलमवा दे है हमें कर जुल्म हमें कर ना तरसी गरीबाई चाका मखा अल्लाह खौफा कहाँ मैं मुसलमाना मैं खुल बलोचिस्तान लापता है मर्द माँ बाजे आपका तकलीफ तो यार मसला में ये हमारे सुनत
ਸ਼ੀਰ ਗੁੱਤ ਪਤਾ ਨਾ ਜੀ ਵਸਤ ਉਸ ਵਾਰ ਗੁੱਤ ਮਾ ਪੁਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ ਆ ਕਮ ਲੇਟ ਗੁੱਤ ਪਤਾ ਲੋ ਸਮਾਈ ਸ਼ਬਾਨਾ ਦਾ ਸੁਣਾ ਅਰੇ ਕਮ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਚਾਲ ਕਦੀ ਕੇ ਪਰੇ ਕੋਲ ਜਾਓ तो चीज़ें वरगा बे तेजेना यकदम अम मर्दुम कहते हैं कि आइया बारे चीज़ें वार्ता गए ना तो अगर सर्दियाँ एक बिस्तरे वी सारा दौर दिए अमी टाइम हम तरह जेना कहते हैं कि बारे आदा कि मई भी गुआहें मर्दों में आइयर अच्छी चीज़ें रस गए आया सर्दी है तो का अकुजा हम वड़ाए छू नि अंचो अगर माँ हर चीक मैं जिंदगी हर चीक निंदक पादायक गप थ्रान वपसक हर चीक चीज़ कैसे मैं अमा मर्दों में घुमाओ आर बूता वो आई हमें सोच हमें ख्याल आई हमें गैर मौजूदगी वो माँ यार हमें इमेजिन करना गए कि आ कुछ हम तकलीफ आनी तो का गुजगाए इसी हमारा जहनी तौर पर अमिन छो मुतासर करता कि अमिन छो ज़्यादा बेगुआ ही मर्दमानी कि हमारा फैमिली अस्ता नफसियाती मसला नहीं शिकार बूतगन देगा मनी खला तने वक्त बलोचिस्तान था कसे इन चुके इश न बूता आई मसरे वजह मिशन के तो कदी कैसे तसल्ली तो करना है तो कदी एक कैसे रिलैक्सेशन ही तो करना है तो बार बार बस एक चीज़ जीड़ गए तो बार बार एक चीज़ वर्स्ट टच वर्स्ट जीड़ गा बे कदी बेहतरीन मगा जीड़ गा बे बाज़ इन टाइम अंशुश बूतगा के मावती लोग निंदोक बूतगा मारा फ़ोन कॉल्स आतगा के मनिका माश डॉक्टर दीन मोहम्मद फिलान जागहा छा रिहा बूता गुड़ा मैं अमा वशी है वशी एच के सास न बूता मना जानता के माँ ए छू वती वशी है इजहारा बेकना भले हमें वादा दो से घंटा रंथ के माँ जुस्त पद कुर्ता मारा मालूम बूता के इधरोगे इ रास्ते नए वो हमें बड़ा बाज़ नंदा मारा हमें बड़े अफवाह हम फैले तगा के मनी कमाश डॉक्टर दीन मोहम्मद खुदा न खास्त जाना गबूता ओ आइए अमा किस जोन अस्से आई जोन है जूर अगा शुमा बुरु है मतलब बहसियत यक फैमिली मेम्बर है यक जने के यक माते यक लोगी है मैं वस्ते ये चीज़ हमें अफवाह के आतगा मारा सर बूतगा हमेशा मारा मेंटली एल जोड़ करता हमें यहाँ पे जो हुकूमती नुमाइंदे मिलने आते हैं जो वफ्त मिलने आते हैं वो हमें कहते हैं कि यहाँ पे बारिशें हो रही हैं वो अपनी जो है बलोचियत का दावा करते हैं कि भाई आप लोग उठ जाएं यहाँ पे बूढ़ी माएँ हैं बहनें हैं तो हम इनसे बात करते हैं कि अगर ये लोग एग्री हैं उठने में तो हम उठ जाएँगे लेकिन ये माँ बहनें कहते हैं कि हमारे जो प्यारे हैं वो हमें लौटाओगे फिर हम उठेंगे वैसे हम खुद नहीं उठेंगे मेरी अम्मी आधी रात को नींद से उठकर रोती है सिसक सिसक के रोती है जब मेरे क्लास फेलोज हों या मेरे हम उम्र की लड़कियां पढ़ाई करती है जो तकलीफ़ मुझे होती है इसका किसी को अंदाज़ा नहीं होगा कि मेरा दिल कितना चाहता है मैं पढ़ूं मैं भी लिखूं मैं भी एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारूं लेकिन हमारी ज़िंदगी एक दर्द भरी ज़िंदगी है कि इस उम्र में हमें दर दर सड़कों की ठोकरें खानी पड़ी है हम पिछले 36 दिनों से गवर्नर हाउस के सामने बैठे हुए हैं यहाँ पर बैठना एक घंटे के लिए बैठना बहुत मुश्किल है लेकिन 36 दिन से हम यहाँ पर गर्मी सर्दी बारिश सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं सिर्फ़ एक उम्मीद लिए कि ये रियासत हमें बताए हमारे प्यारे कहाँ हैं हमने इस रियासत से और कुछ नहीं मांगा है सिवाय अपने प्यारों के आखिर हमारे प्यारों ने ऐसा कौन सा जुर्म किया है कि उन्हें बाज़ियाब नहीं किया जा रहा है चार दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है हमारी तबीयत शदीद बिगड़ती जा रही है हमारे दोस्तों के यहाँ पर शीरखोर बच्चियाँ हैं बूढ़ी माएँ हैं रियासत को चाहिए अगर वो रियासत मदीना का दावा करते हैं तो हमें सुने हम भी शहरी हैं इस मुल्क के हमें हुकूक चाहिए हमारे
हमेशा एक डेलीगेशन गवर्नमेंट जोड़ कुर्तगत क्या तो कम मैडम शकीला देवारा तो आई पदा जमरक अचक जैयत आ तमारा लाते द्रोगे दिलासा इशदात ओ माँ क्या आया नहीं दिलासा नमन ने था गुड़ा आ माँ बतरा साइड को हमें चीज़ा के शुमा में गप्पा नमन ने गुड़ा रियासत हमें समझीते कि ये फैमिलीज मारा ब्लैकमेल करने गया और शुमा फिलहाल रिजल्ट लौटे ताकि शुमा इधर निश्तगे शुमारा रिजल्ट ना रसीते हमें खातरा कि हम आधारा समझें कि ए पीरें जाल गंडे शीरख्वारें चुक ईशाना ब्लैकमेल करने का लग जानते हैं ए मरदमा वतरा साइड को पदर अंदा एक डेलीगेशन है आते हैं कि आई तो का पंच शश हकूमत मरदमता अपोजिशन मरदमता आवन हकूमत दीम दा तक बल मैं कि रहा तंगशी के मार कसद न दाता माँ इजहार यकजहती आद तक ओ शुमा बरए मेहरबानी बलूचिस्ताना सैलाब है शुमा वती कैसे प्रोग्राम ख़त्म भी करें और दो अमीर शुमा गिंदन के हमें मरदमानी ने मगाशा स्टेटमेंट कहते हैं कि माँ वजीर आले वफद ने मगाशा शोतंगा ये फैमिलीजा नहीं कह रहा माँ यानी गुश्ता शुमा पात बे मतलब बहसीत यक बलोच है मन हमें समझा कि तो ये माँ तो बुहरानी तकलीफा महसूस कुर्त ना करें तो ये मसला हल कुर्त ना करें तो मर्ची हुकूमत तहाए तो ये चीज़ आखिर कुर्त ना करने गुड़ तर ये मख नेस्तें कि तो अब ये मास गुआरा ना बोगुश की शुमा इधर रोड़ा शपात भी आए ओ इसी तरह पता कुल्ला चीज़ ज़्यादा कि या कमा मायूसी मर्दों में तो का पैदा बीते हैं कि आमा मर्द हमारा तंग करने का लगी परेशान करने का लगी थे आयशन की मवती सरजमीन ना सारा परचे चुदर पदारा माँ परचे बेकसा माँ परचे बेला माँ कहते मना वारिस से जिंद नहीं इसते माँ ला वारिसा नहीं बढ़ाए दा कब तक मामा मुहाजरा नहीं बढ़ा मनी खाले दिगे मुल्क आनी तो का माँ मुहाजर रस्ता आया ना बेगन मैं शगेश ट्रीट शर्रे मड़िया कनक बीते मैं चगेश आवनी अक्का नहीं सरा अमल दरामद कनक बीते भले माँ अमा जागा हमर ची सर बूतगा कि मैं मरदम व बेगवा हाँ मैं जिंदगी मोस्टली तबाह बूता बर्बाद बूता मैं वसद गैच ने मैं वसा ना माजी में हंसते ना कि हंसते प्रेजेंट जिंद हंसते हो ना माँ वी मुस्तबल वाला हा शर इन चीज़ें जीड़ित कुर्त करा भले इसके बावजूद अमा एहसास तरह दया है ना अमा एहसास कमतरी के माँ यकरोचे सरीना होटला सह घंटे वास्ता बंद करा गुड़ा वजीर आला है ओ वजीर दाखला है कि हंसते घंटा हानि प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद तो तकरीर शुरू बनते हैं कि आम मखलूक डिस्टर्ब बूता आम मखलूक है ज़िंदगी मुतासर बूता आम आवाम ए मुश्किल शक वस्ता भले हमें तई आवाम के मरुची एदा पंजाब फैमिली के एदा निश्ता ओ आमे गप्पा गोश गायें कि सिर्फ मारा मैं मरदमा बिदापुरम तरीका निश्ता गा भले तो आवनी गप्पा घोषणा दार है माँ अंशुष के मुसलसल इधर मैं कह रहा तो गंडू अस्ता पीरे नस्ता मौसम खराबी वजह हो आदि मुश्किल वजह आवनी सेहत सक बाज मुतासर बूता हो हन्नू कैसे चार रोजे मुसलसल हमें और जिंदा दाश्ता हो इधर सड़क का नहीं सारा निंदा उदा तयम आदि सहूलत नहीं नबू के वजह इधर मोस्टली मैं कह रहा हूँ पीरें जाल अस्ता आ बीमारियाँ नहीं शिकार बूतगा गंडू अस्ता आ बीमारियाँ नहीं शिकार बूतगा जी मैं कह रहा था कि मैं फीमेल सीमा बलोच शबीर बलोच गुहार आ यारा जीतियों के रोचा है बीमार बूता माँ आई यारा मैं रिक्वेस्ट करने का बूतगा बार बार के तो बुरो लोग या आई यार मैं गप जता कि मनवती ब्रात पट्टगा आतगा मन इधर लोग शोथना खाना मन लोग अमा आराम मनी अमा कैफियत मन निंदगा नहीं लीते कि मन इधर आतगा होती मर्द में वास्ता वापस बुरवा वती जिंद है वती चुके जिंदगी वाला हा बिजेड़ा हो लोग या बुरवा गुड़ा हमें हालत था आई सेहत अमिन चुबाज मुतासर बूता के दोषी अडन्ना दरत का वती अश्त माइए गुंडे चुके गुमा वार आ बेहोश बूता कपता आई चुके सर लगता आई जिंदारा मदीरा दिस्ता मात कगा के ऐसी पूरा अमा ब्लड सर्कुलेशन जिंदे आ टोटल उछता था ओ आइए टेम्परेचर सक्का हाई इन ओ हमें दरमियाना मैं बार बार डॉक्टर गुशगा बूतगा मैं बार बार एम्बुलेंस वास्ते गुशगा बूतगा मतलब ए टाइम अमा एम्बुलेंस के वास्ते अमा भी मैं वास्ता आएगा था यार ना बूता आदि कुल वती जागहायन अमा एम्बुलेंस के वतरा गुशीते कि मन आम मखलू के वास्ते ऐदा निश्तगो मन आम आमा इंसान खिदमत करने के वास्ते निश्तगो भले एट द टाइम हमें हमारा जवाब दे गए तो मजबूरन मारा वती जिंद जाती संगत यक गाड़ी माँ जुड़ता हुआ आई अरबुरता हॉस्पिटल एडमिट करता मैंने शायद एक दा खुजदार ना अदालत नहीं था दस गिरास की हफिस देश को शायद समर होती है सर कुराने रोडा दर देसी बस कुरान नजिया दूध तिखाई ना मसला याद के वक्त इपजात खसवे ने तो लाशा ही तो खाई बस अगर जिंदगी
تی جندے تا خوائب پھر دیو نہ دھرو کا دشمن تی خوائب تا قسم دا قران اس پنچ چھاپا سل پدی کرے ہچ کتم تا س مچ کرے نہ تی بس خدائی قران کی آسان گڑا صف کیسے ہچ ما ایل ما بابا ما غری مرے تو قران ہی کے حق آسان اللہ جوڑا دے دیکھو اتے نا ارمان نہ زا پر قران آسان گڑا صف قران ہی دیر سے عزت مت کو بدل چتا دی نا دنیا پائی ना ना दिन वादा सा दंदार जी के निर्णय वजीरा लाए थे ना वजीरा ने हद्दा जी पा देसी है देश दिया खस के अफसर अरे बल्ला बल्ला फौज जनाब सद पा फिर भी बात पेट्रोल शाब हो या जार है थी वो हिंदुस्तान में बड़े शाब होता है तो न्यारी था वो शंगी तस न्यार नरी ना तो खस भी सदेश अवगा के सा अंत हके दा झुनाना टुकुर का कटो थी विशा जा घटन से पीछे जाती रे जी लाजी जा लाजी दी ਮਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦਸਦਾ ਕੰਨੀ ਗਾ ਨਮਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬਾ ਤੇ ਨਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸਾ ਤੁਰਾ ਨੀ ਬਾਬ ਦੁਮਾ ਤੋ ਕਰ ਗਿੜਾਸ ਕੱਪੀ ਸੁ ਬੰਨਾ ਨੇ ਅਨੂ ਸ਼ਾ ਗਿੜਾਸ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਨੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਦਸ ਦਾ ਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਲੱਦੀ ਦਸ ਸਖਤਾ ਦਸ ਦਾ ਸਿਰ ਬਾਪ ਦਾ ਕਿ ਦਾ ਦਿਨ ਦਉ ਜਾ ਕਸ ਕੋ ਅਗੇ ਖੀਰ ਨੀ ਗਾ ਨਮੋੜੇ ਖੱਤਾ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾ ਦਿਆ ਦੀ ਕਾ ਪੱਕਾ ਪੰਕੇ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਨਾਰ ਨਾ یہ پاکستان دا خوف اخر رفی بلوچستان دا خخ اخر لگانے ہر بادشاہی تو مرے تے چکر رک کر سردا تا کان کی کر کا پیسی اللہ کا شروع عید کے وا ما عید مستے خوش دعا کر دعا کر کن یہ شروع کرے سا کنی تو کسا